माई डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिप्रोडक्शन और इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम को ब्रीफली देखेंगे और फिर हम चलेंगे स्पर्म्स की प्रोड प्रोडक्शन प्रोड़, की तरफ के स्पर्म्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं सो so ये हमारे पास स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं पहले हम इनको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स किस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होंगे और उसके बाद इनकी कुछ और डिटेल्स डिस्कस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे टेस्टिस दैट एक्ट एस गोनेट्स वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस टेस्टिस आर एनक्लोज इन सैक लाइक स्ट्रक्चर दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रोटम या इसको स्क्रोटल सैक का हम नाम देते हैं सो so, टेस्टिस में स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी यहाँ से ये आएंगे और टेम्परेली स्टे करेंगे एपिडिडिमस में दिस एपिडिडिमस इज द प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड पोर्शन ऑफ द वेस डेफरेंस या जिसको हम डक्टस डेफरेंस का नाम भी देते हैं यहाँ पर ये टेम्परेरली स्टोर होंगे और मोटिलिटी uh, गेन करेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे इस स्पर्म डक्ट के अंदर स्पर्म डक्ट हम इस वेस्ट डेफरेंस को कह रहे हैं डक्टस डेफरेंस वेस्ट डेफरेंस स्पर्म डक्ट ये मुख्तलिफ नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं ये जो स्पर्म डक्ट है इट मूव्स अपवर टूवर्ड्स पेल्विक कैविटी और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इट रिसीव्स अ डक्ट फ्राम द सेमिनल वेसिकल यहाँ पर आपने याद रखना है कि डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उनमें से वन टाइप ऑफ ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पर ये इसको हमने लेबल किया है और ये सेमिनल वेसिकल आकर अपनी सिक्रेशंस ट्रांसफर करता है इसी स्पर्म डक्ट के अंदर जिसमें स्पर्म्स मौजूद होते हैं और इस पोर्शन को जहां पर ये स्पर्म्स में सीक्रेशंस ऐड होती हैं फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल इसको हम कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट विच इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्पर्म डक्ट तो अब ये स्पर्म्स और इधर से सेमिनल वेसिकल्स की सीक्रेशंस इजेकुलेटरी डक्ट में आएंगी एंड नो इट पास्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर एक और ग्लैंड मौजूद होता है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड इट आल्सो पोर्स इट्स इन टू द स्पर्म्स परम्स में उसके सिक्रेशंस एड होती हैं एंड नो दिज एंटर इन टू द यूरिथरा यहाँ पर आप ये जो नेक्स्ट डेक्ट डॉप को नजर आ रही है दैट इज द यूरिथरा और मेल के अंदर आप यहां पर देखेंगे कि यूरिथ्रा एक तरफ से स्पर्म्स को रिसीव कर रहा है और दूसरी तरफ से ये यूरिनरी ब्लैडर से सिक्रेशन को रिसीव कर रहा है यूरिन को रिसीव कर रहा है सो इसलिए मेल के अंदर यूरिथ्रा को हम यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं बिकॉज इट रिसीव्स बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स अब यहां पर आप देखेंगे कि इस यूरिथ्रा के साथ एक और ग्लैंड कनेक्टेड है इस ग्लैंड को हम कहते हैं बल्बो यूरिथरल या कॉपर ग्लैंड इसने भी अपनी सिक्रेशन यूरिथ्रा में ट्रांसफर करनी होती हैं बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म्स और इसकी सिक्रेशंस का जो बेसिक रोल है वो इस यूरिथ्रा के एनवायरमेंट को न्यूट्रलाइज करना है बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म के अगर यहां पर यूरिन कंटेंट्स हैं एसिडिक कंटेंट्स हैं तो ये उनको न्यूट्रलाइज कर दे तो स्पर्म अलोंग विद मिक्सर ऑफ दीज थ्री ग्लैंड्स तीन ग्लैंड्स कौन से बल्बो यूरिथ्रल, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल तो इन तीनों की स्पर्म के साथ मिलने से जो मिक्सर बनेगा उसको सेमिन कहते हैं एंड दिस सेमिन पासिस आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा पासिस थ्रू द एक्सटर्नल जेनेटेलियम जिसको हम कॉपोलेटरी ऑर्गन या पीनिस भी कहते हैं सो so ये ओवरऑल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपने याद रखनी है इनका पैसेज याद रखना है अब यहां पर इन्हीं का एक ब्रीफ सा रिव्यू मौजूद है गोनेड्स के टर्म हम यूज करते हैं पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे आपने पढ़ा है कि दीज मेल गुनेड्स आर द टेस्टिस दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम उसके बाद एक और टर्म आपने याद रखनी है दैट इज ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम उन जेनिटल स्ट्रक्चर को कहेंगे विच आर एक्सटर्नल टू तो द बॉडी या बाई विच आप कह सकते हैं कि दिस सिस्टम कम्स इन कंटेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट यहाँ पर इस एक्सटर्नल जेनेटीलियम के अंदर हम प्लेस करेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन को दैट इज़ इन्वॉल्व इन मेटिंग और कॉपुलेशन और ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स उसके बाद इस पूरे सिस्टम के अंदर आपने डिफरेंट डक्ट्स को याद रखना है और यहाँ पर उनको हम सीक्वेंस में प्रोसीड करेंगे सबसे पहले आपने याद रखना है कि सिमिनीफिर ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं दैट आर फाउंड विद इन द टेस्टिस एंड दीज आर द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स यहाँ से स्पर्म्स ट्रांसफर होते हैं रेड टेस्टिस को ये भी विद इन द टेस्टिस मौजूद होंगी यहाँ से ये स्पर्म्स ट्रांसफर होंगे वेजा एफ्रेंशिया में वेजा एफरेन्शिया आर आल्सो फाउंड विद इन द टेस्टिस यहां से स्पर्म्स अब आ जाएंगे एपिडिडिमस में एपिडिडिमस को आपने यहां पर पढ़ा है कि दिस इज द प्रोक्सिमल एनलार्ज्ड एंड ऑफ द वेस्ट डेफरेंस और ये टेस्टिस के इमीजिएटली क्लोज मौजूद होगा एपिडिडिमस से स्पर्म्स ट्रांसफर होंगे वेस्ट डेफरेंस में वेस्ट डेफरेंस से इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू होते हुए यूरिथ्रा एंड देन दे पास आउटसाइड द बॉडी और हमने ये पढ़ा है कि मेल में यूरिथ्रा को यूरिनो जेनिटल डक्ट का नाम भी देते हैं सो so, ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कि कौन कौन से यहां पर मौजूद होंगे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये भी याद रखना है कि जो टेस्टीज हैं दीज एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ा है कि उन ग्लैंड्स को कहते हैं पोर द ब्लड लेकिन इन टेस्टिस के अलावा भी तीन और ग्लैंड आपने यहां पर पढ़े हैं सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल इन तीन को हम कहते हैं असेसरी ग्लैंड्स और याद रखिएगा कि ये तीनों असेसरी ग्लैंड एक्जोक्राइन ग्लैंड हैं तो सेमिनल वेसिकल्स और टू इन नंबर प्रोस्टेट इस वन, और कॉपर ग्लैंड भी दो हैं ये तीनों असेसरी ग्लैंड कहलाएंगे दीज आर द एक्जोक्राइन ग्लैंड दे पोर देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स और जब इनकी सिक्रेशन स्पर्म्स के साथ मिक्स होंगी तो इस मिक्सर को सेमिन कहा जाएगा इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो सबसे मेजर ग्लैंड हैं वो सेमिनल वेसिकल्स हैं यानी सेमिन में जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है इट कम्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स सो दिस वाज अबाउट द असेसरी ग्लैंड्स कि ये कौन कौन से होंगे अब हम फर्दर uh, चलते हैं यहां पर uh, जो स्पर्म की प्रोडक्शन है उसकी तरफ ये आपके सामने एक कट सेक्शन मौजूद है सिमिनीफियरस ट्रिब्यूल का और सिमिनीफियरस uh, ट्रिब्यूल के लेवल पर ये चांद एक सेल्स आपने याद रखने हैं जिनकी डिटेल्स को हम अभी पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स उसके अलावा स्पर्मेटोगिया और स्पर्म्स बेसमेंट मिम्ब्रेन मौजूद होती है और ये हमारे पास ल्यूमिन uh, है सिमिनीफिरस ट्रिब्यूल की दिस इज कंप्लीटली सिमिनीफियरस ट्रिब्यूल ये उसकी जर्मिनल uh, एपिथीलियम है ये उसकी ल्यूमेन है और ल्यूमेन के अंदर मौजूद होते हैं स्पर्म्स जो डिवीजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं आपने यहाँ पर यह याद रखना है कि इन सिमिनेफिरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट सेल टाइप्स मौजूद होती हैं वन आर कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स और सेकेंड टाइप सर्टोली सेल्स की है जिनको नर्स सेल्स का नाम भी दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हम उन एपिथेलियल सेल्स को कहते हैं जिनसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे एंड दीज सेल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एफ एस एच यहां से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे उसको हम अभी आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे इसी तरह आपने ये याद रखना है कि जो सर्टोली सेल्स हैं दीज आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ एफ एस एच इनका रोल क्या होगा दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन एंड लिक्विड मीडियम टू द स्पर्म्स अंटिल दे आर प्रेजेंट इन द यानी जब तक स्पर्म्स इस सिमिनीफरस ट्रिब्यूल की ल्यूमिन के अंदर मौजूद होंगे ये उनको न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन और लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करेंगे सो बोथ आर द सेल्स ऑफ सिमिन वॉल्स ऑफ द ट्रिब्यूल्स। एक ने स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है दूसरे ने स्पर्म के लिए स्पोर्टिव रोल प्ले करना है और दोनों को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करे दैट इज एफ एस एच रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिच्यूट्री एक और सेल टाइप आपने याद रखनी है वो है इंटरस्टीशियल सेल्स या इनको हम लेडिक सेल्स का नाम भी देते हैं इनको मैंने अलहदा से इसलिए मेंशन किया है बिकॉज़ आर नॉट द सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल लाइक हमारे पास अगर ये सिमिनी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं तो इनके दरमियान जो स्पेस होती है इसको कहते हैं इंटस्टीशियम और इस इंटस्टीशियम के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम देते हैं दीज इंटरस्टिशियल सेल्स आर अंडर द कंट्रोल आईसीएसएच दैट इज एन नेम यूज फॉर एल एच और जब ये आई सी एस एच इन सेल्स पर एक्ट करता है तो यहां से सीक्रेट होता है टेस्टोस्टीरोन दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन जिसने डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करना होता है तो आपने इन सेल्स को भी याद रखना है दो हमने पढ़े हैं सिमीनिफिरास्टिब्यूल्स के विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एफ एस एच और एक हमने पढ़ा है इंटरस्टिशियल सेल्स को जिनको आईसीएसएच कंट्रोल कर रहा है और ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं अब हम चल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैसे होती है कौन कौन सी स्टेजेस यहां पर होंगी ये ओवरऑल आपके पास डायग्राम मौजूद है हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सिमिनीफ टूब्यूल्स इनकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जर्मिनल एपिथिल सेल्स एंड दीज जर्मिनल एपिथिल सेल्स गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनिया तो ये आपके सामने सबसे पहला सेल मौजूद है जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम का नाम दे रहे हैं और ये सेल होगा डिप्लाइड क्रोमोसोम नंबर अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं दे डिवाइड थ्रू माइटोसिस एंड देन डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्मड फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया पहले माइटोसिस होगी और फिर इनकी डिफ्रेंसी होगी इन टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी आपने याद रखना है कि क्योंकि ये माइटोसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं सो दीज विल आल्सो बी डिप्लाइड नाउ दाइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो थ्रू मियोसिस वन मियोसिस वन को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं जिसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर टू एन से एन में रिड्यूस हो जाएगा सो so, इस मियोसिस वन की वजह से प्रोड्यूस होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड दीज से जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडर गो थ्रू मियोसिस टू और म्योसिस टू के रिजल्ट के तौर पर जो सेल्स इनसे प्रोड्यूस होंगे उनको हम स्पर्माटिट्स कहते हैं अब यहां पे क्योंकि मियोसिस टू हो रही है विच विल मेंटेन दिस क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट लाइक माइटोसिस तो इसलिए ये जो स्पर्माटिट्स प्रोड्यूस होंगे दिस विल आल्सो बी हैपलाइड और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से चार स्पर्माटिट्स प्रोड्यूस होंगे इन स्पर्माटिट्स की होगी मैचुरेशन डिफ्रेंसिएशन या आप इसको मैचुरेशन कह सकते हैं एंड आफ्टर मैचुरेशन दे विल गिव राइज टू स्पर्म्स और जैसा कि आपने पढ़ा है कि चार स्पर्मा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि चार स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे इन स्पर्मा की स्पर्म के अंदर कन्वर्जन को या मैचुरेशन को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनिस ये आपने दोनों वर्ड्स को मिक्स नहीं करना स्पर्मैटोजेनिस इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स वोजेसिस इज द मैचोरेशन ऑफ स्पर्म एंड दिस मैचुरेशन इज कंप्लीटेड इन एपिडिडिमस। और मैचुरेशन कंप्लीट होने का मतलब यह है कि इनके अंदर टेल डिवेलप होगी एंड दे विल बिकम मोटाइल एग और स्पर्म ह्यूमन के अंदर दो गेमिट्स हैं इनमें से आपने याद रखना है कि एग इज़ नॉन मोटाइल वाइल स्पर्म इज मोटाइल और उसके अंदर मोटिलिटी के लिए ये टेल मौजूद होती है हम इसके स्ट्रक्चर को भी ब्रीफली देख लेते हैं ये हमारे पास इसके तीन पार्ट्स मौजूद होते हैं वन इज़ अदर इज द मिडल पीस एंड थर्ड इज़ द टेल टेल इज़ फॉर मोटिलिटी और जैसा कि मैंने बताया है कि टेल की डेवलपमेंट या मोटिलिटी कहां पर होगी एपिडिडिमस के अंदर होगी इसको हम स्पर्मियोजेनिसिस के साथ रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ये हेड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं लाइक एक्रोसोम, इज एक्चुअली अ लार्जर लाइसोसोम न्यूक्लियस मौजूद होता है कंटेनिंग डीएनए और उसके बाद मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन विच इज नीडेड फॉर द मोटिलिटी। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्पर्म का चंद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपने इस स्पर्मेटोजेसिस से रिलेटेड याद रखने हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनमें पहला फीचर ये है कि स्पर्मेटोजेनिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी इसके स्टार्ट को याद रखिएगा दूसरा इट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ इसीलिए स्पर्मेटोजेनिस को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी आप कह सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट करेक्टर आपने याद रखना है जो आपको यहां से भी पता चल रहा है कि वन प्राइमरी विल गिव राइज टू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड फोर स्पर्म्स एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फोर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और लास्ट में करेक्टर याद रखिएगा कि एक वक्त में लार्ज नंबर के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं मेच्योर हो रहे होते हैं और रिलीज होते हैं यानी जब स्पर्म्स रिलीज होंगे तो दे विल बी रिलीज मिलियंस इन नंबर और इतनी ज्यादा तादाद क्यों होती है टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन के इनमें से एक ना एक जाकर अगर एग के साथ मिलता है तो उसको फर्टिलाइज कर देगा सो so ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जो आपने स्पर्मेटोजेनिस से रिलेटेड याद रखने हैं आई होप आपको टॉपिक की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्रीफली पढ़ा उसके बाद हमने स्पर्मेटोजेनिसिस को पढ़ा स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखा नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि आपका यह टॉपिक रिवाइज हो जाए क्वेश्चन नंबर वन है इट इज द साइट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन सिमिनीफिरोस्टिब्यूल्स शिया एपिडिडिमस और स्पर्मडक्ट आपने पढ़ा था कि स्पर्म की प्रोडक्शन सेमिनिफिरस ट्रिब्यूल्स के लेवल पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से होगी सो करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर टू है दीज सेल्स अंडर गो सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एपिथेलियल सेल्स सर्टोली सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स फॉलिकल सेल्स तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को तो स्पर्म्स आर एक्चुअली एपिथेलियल इन ओरिजन अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री है इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ आईसीएसएच सिमिनीफरस्टिब्यूल स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टोस्टिरोन प्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन सिमिनीफरस्टिब्यूल्स में दो सेल्स आपने पढ़े थे दोनों एफएसएच के कंट्रोल में थे यहां से स्पर्म की प्रोडक्शन होनी है तो यह भी एफ की वजह से होगी टेस्टोस्टीरोन इंटरस्टीशियल सेल से रिलीज होता है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आई फर्टिलाइजेशन में डायरेक्ट रोल इसका नहीं होगा सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली क्वेश्चन नंबर फोर है वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स राइस टू वन स्पर्म टू स्पर्म थ्री स्पर्म फोर स्पर्म आपने ये रेशो याद रखनी है वन रेशो टू रेशो फोर यानी वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल गिव राइज टू फोर स्पर्म्स अब यहां पर क्योंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का पूछ है तो उससे दो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की बीटा बन जाएगी यानी इट विल गिव राइज टू टू स्पर्म्स